भाई ये बहुत खुश है कि माता रानी ने बुलाया, हम भी बहुत खुश है कि माता रानी ने आखिरकार बुला ही लिया। बहुत ही जबरदस्त स्नोफॉल हुई थी जैसा कि दिख रहा है भाई। बर्गर किंग में हमारे किंग बैठ गया आके, ये देखो ओए। अभी 2.5 किलोमीटर की ट्रैक की हम लोगों ने और यहाँ पर हवा इतनी तेज हो गई है कि ताराकोट मार्ग पे अराउंड 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप आता है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स दिखता है। ये देखो मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ, ये नवग्रह वाटिका जो बना रखा है कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, देख रहे हो बहुत ज्यादा ठंड है। अगर साथ में आपके बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, बहुत सारे मल्टीपल कपड़े बनाने पड़ेंगे। देखो ये बना हुआ है यहाँ का लंगर हॉल, सही है, सिटिंग अरेंजमेंट काफी सारी है यहाँ पे बहुत। तो फाइनली भाई हम लोग भी अब निकल चुके हैं दर्शन करने। अब देखो यहाँ बन चुका है स्काई वॉक जो कि सामने दिखाई दे रहा है और लोगों ने यहीं पे जूते चप्पल निकाल के यहीं से लाइन लगा ली है, लाइन यहाँ तक है। आगे का हिस्सा इस तरीके का है स्काई वॉक का जो कि एक ब्रिज बना दिया गया ऊपर की तरफ से जा सकते हो। Hey guys, once again, welcome back to ठाकुर सारा व्लॉग। भाई आज का दिन शुरू कर रहे हैं हम लोग फुल एक्साइटमेंट में क्योंकि हम हैं कहाँ पर बताओ भाइयों, और हम लोग आए हुए वैष्णो देवी और हम लोग स्टार्ट करने वाले अपनी जर्नी, अपनी ट्रैकिंग, अपनी यात्रा यहाँ से। तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से हमारी जो यात्रा होने वाली है वो पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मिलेगी और रास्ते में क्या कुछ होगा वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अभी हमने ये रूम लिया है, ये रूम काफी बड़ा सा है और इसमें हम दो लोग नहीं, मेरा बेबी भी था तो 3 लोग रुके थे और ये हमें पड़ा है भाई 500 रुपीज पर डे के हिसाब से और काफी रीजनेबल है और इतना पास है कि यहाँ से हम थोड़ा सा वॉक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे अपनी जर्नी को। सबसे पहले चलते हैं बस स्टैंड जहाँ पर हमें लेना है RFID कार्ड अपन चारों लोगों के लिए और फिर करेंगे यात्रा को शुरू। तो दिखाते हैं कैसे क्या होने वाला है। बाकी हाँ जी कैसा लग रहा है आप लोगों को? और ये रहा भैया अपना बड़क, हेलो। आज हमारा बाबू वैष्णो देवी की यात्रा करने वाला है तो ये बंदा आज फुल हल्ला काटने वाला है मुझे लग रहा है। भाई हमने ले ली अपनी RFID कार्ड, सबने अपने अपने गले में डाल लिया और इधर ये भी डाल लिया, बेबी का नहीं बनाया क्योंकि बहुत छोटा है, गोद में ही रहेगा हमारी। ये भाई साहब एकदम कार्ड डाल के और ये भी है, सब कार्ड डाल के एकदम रेडी हो गए और कार्ड लेने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सीधा आओ बस स्टैंड पे कटरा के और बस स्टैंड पे आपको RFID कार्ड सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर आओ अपनी ID साथ में कैरी करना, कई बार ID मांग लेते हैं तो हार्ड कॉपी चाहिए होती है और कई बार बिना ID के फटाफट बना के दे देते हैं, आपका नाम पूछते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और फटाफट से दे देते हैं, कोई भी इसमें फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगती है, ऐसे ही है। देखो ये है मेन बस स्टैंड कटरा का और ये रहा यात्रा पंजीकरण कक्ष कटरा यानी कि यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। तो हम लोग चले हैं भैया दर्शन के लिए और यहाँ पर चेक करो मौसम भाइयों, अभी डिस्कशन छोड़ो खाने की, ऊपर देखो मौसम कितना जबरदस्त हो रहा है यार, वाव भूख लगी है। बर्गर किंग दिख रहा है भैया, नो अनियन नो गार्लिक के साथ में अब यहाँ पर जाने की कोशिश है इन लोगों की, फटाफट से चलते हैं चलो। लेकिन मौसम देखो यार क्या जबरदस्त मौसम हो रहा है, बाप रे। बर्गर किंग में हमारे किंग बैठ गया आके, ये देखो ओए रुद्रांश, रुद्रांश हिचकी हो रही है उसे, ओहो भाई साहब ताज पहन के बैठा हुआ है, फटाफट से चलते हैं और ऑर्डर करते हैं। ब्रेकफास्ट आ गया हमारा भाई यहाँ पर एकदम मस्त टकाटक, ये कोल्ड कॉफी, ये हॉट कॉफी और बर्गर फ्राइज और यहाँ पर ये भाई चालू भी हो गए, बैठ गए भैया सवारी अपनी ऑटो के अंदर, ये देखो लदे हुए सारे। और अब हम लोग जाने वाले हैं नए रास्ते से, है ना भैया, नए रास्ते से लेके जाओगे ना। और भैया बता रहे हैं कि प्राचीन गुफा भी खुली हुई है, खुली हुई है इस टाइम, तो वहां से दर्शन कराएंगे हमें। अरे क्या बात है भाई, तो हम अब ताराकोट वाले मार्ग से जाएंगे और अब देखते हैं कि क्या है और किस्मत अगर अच्छी हुई तो पुरानी गुफा के दर्शन भी हो जाएंगे। चल पड़ी भैया अपनी यात्रा अब हमारी शुरू हो चुकी है और यहाँ से हम लोग पैदल चलने वाले हैं पूरे रास्ते। और इधर देखो हम पैदल चलेंगे और हमारा बाबू आराम से सोता हुआ आ रहा है बड़े प्यार से। भाई ये बहुत खुश है कि माता रानी ने बुलाया, हम भी बहुत खुश हैं कि माता रानी ने आखिरकार बुला ही लिया हमारे, यहाँ हमारे सडन प्लान्स बने हैं भाई। ये सही अरेंजमेंट की हुई है बैठने के लिए, अगर कोई थक जाए तो ये सही है यार, ये बढ़िया है। रवि भाई थक गए क्या? ये देखो और हमारी सवारी आगे चल रही है, हम लोग ना आपको बताया मैंने कि ताराकोट वाले मार्ग से जा रहे हैं। रवि भाई वैसे ये वाला रास्ता थोड़ा ठीक लग रहा है ना, वहाँ से ये रास्ता बहुत बेनिफिट है, इसमें ना खड़ी चढ़ाई नहीं है, खड़ी चढ़ाई नहीं है बट खड़ी चढ़ाई नहीं, आराम से बंदा चढ़ सकता है। और दूसरा प्लस पॉइंट है यहाँ पर ये घोड़े खच्चर वच्चर अलाउड ही नहीं है, यहाँ अलाउड ही नहीं। उस वाले रास्ते में क्या होता है नॉर्मल अपना जो है वहाँ पर क्या सीन है कि घोड़े खच्चर आपको पीछे से आएंगे, कोई टक्कर मार रहा है, कोई साइड मार रहा है, फिर घोड़े वाला पालकी वाले आपको हटा रहे हो, टट टट टट, तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है। ये ना रास्ता चौड़ा भी है, चौड़ा भी है, देखो ये देखो कितना वाइड है, कवर है, हाँ। बारिश से पानी कहीं नहीं आएगा, ये शेड जो है ना पूरे रास्ते में लगातार लगी हुई है, तो इसका बेनिफिट ये है धूप से बचाएगी आपको, ठंड से बचाए, ठंड से तो खैर नहीं बचाएगी, बारिश से बचाएगी, स्नोफॉल अगर होती है भाई चांस, ऊपर स्नोफॉल हो रही है, ऊपर स्नोफॉल हो रही है भाई। माता रानी ने परीक्षा बहुत ली है हमारी, आपने अगर लास्ट लॉक देखा तो अच्छा, ये तो कहें ग्रीनरी बहुत है ना, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, साफ सुथरा, वो घोड़े की पॉटी वाटी भी नहीं है तो अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई यहाँ पर नवग्रह वाटिका नाम से कुछ बनाया हुआ है जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में
ऊपर जाकर देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। सीढ़ियाँ और बैम्बूज का जो डिज़ाइन बनाया ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके ऊपर एक व्यू पॉइंट भी है, वहाँ पर वहाँ जाकर एक व्यू देख सकते हो वाइड, जो कि इधर से है। इधर से भी थोड़ा बहुत दिख जाएगा, मतलब दिखेगा तो पेड़ पौधे ज़्यादा है तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे की जो वैली है ना, उस व्यू पॉइंट के ऊपर जब जाके खड़े हो गए तो बहुत अच्छे से दिखाई देने वाली है। ये देखो मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ, ये नवग्रह वाटिका जो बना रखा है, कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पत्थर से जो बनाया हुआ है ना, ये इतना ऑसम लुक दे रहा है इसको। तो यहाँ पर फोटोज़ वगैरह अच्छे से क्लिक करवा सकते हो आप लोग, और कितना प्यारा है, मतलब आप वॉक कर सकते हो। बीच में थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी रखा हुआ है, छोटा सा एक पॉन्ड बनाया हुआ है, बहुत ही छोटा सा, जिसमें अभी कल बहुत बारिश हुई है तो गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन ये नज़ारा एक नंबर लग रहा है। और इस व्यू पॉइंट की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ये देखो यहाँ पर सीधा यहाँ पर जाके इस व्यू पॉइंट से पूरा एक नज़ारा ले सकते हो, और कितना अमेजिंग है, मतलब फोटोग्राफी के लिए क्या लोकेशन है। देखो आराम से ये झूले में जा रहा है, मज़े ले रहा है अपने पूरे पूरे, बाकी हम लोग पैदल यात्रा कर ही रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं इस रास्ते से जाने वाले। ये देखो काफ़ी लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड तो नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा सा है, क्योंकि खाली खाली है ना तो अच्छा लग रहा है। और इस रास्ते में चढ़ाई वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल रास्ते में है, तो ठीक ठीक है, थोड़ी थकावट कम भी हो रही है और हम लोग कर पा रहे हैं इजीली। और बहुत सारे मतलब एजेड लोग भी हैं जो इस रास्ते को प्रेफर करते हैं। अभी 2.5 किलोमीटर की ट्रैक की हम लोगों ने, और यहाँ पर हवा इतनी तेज़ हो रही है कि इस तरीके से लहरा रही है, तो हवा बहुत तेज़ है, बेबी को भी पूरी तरह से कवर कर दिया है, और ये ऐसे कवर किया कि हवा बिल्कुल भी ना जाए, प्रॉब्लम ना हो। ये तो बिल्कुल ही लहरा चुकी है, इसका पोंचू उड़ने वाला है, और भाई साहब शॉल भी उड़ रही है पूरी, क्या हवा है यार, मतलब धूप तो है ही है साथ में, इतनी जबरदस्त हवा है। और कल का अंकल बता रहे हैं कि कल ना इतनी ज्यादा हवा आ रही थी, ट्रॉली वगैरह ना उड़ रही थी, बच्चे बैठे हुए थे, फिर ट्रॉली उड़ रही थी। ताराकोट मार्ग पे अराउंड 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप आता है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स दिखता है, जहाँ पे आप जाके कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, अदरवाइज पानी वगैरह ले सकते हो, जो कि फ्री में दे देंगे आपको छोटे से ग्लास के अंदर, ग्लास का साइज ये होने वाला है, ये पानी आपको दे देंगे, सर्व कर देंगे। बाकी यहाँ से एक छोटा सा व्यू है, जो व्यू पॉइंट मुझे अमेजिंग सा लग रहा है, सिटी व्यू मिलता है, और ये बहुत अच्छा है, माउंटेन से घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ, और भाई इतनी तेज हवाएं हैं कि मजा ही अलग है। मौसम जो है तूफान वाला बना हुआ है, और पीछे की तरफ अगर देखोगे यहाँ पर तो ये डार्क होता चला जा रहा है, थोड़ी ही देर में ये पहाड़ी ना इसकी विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है भाई, और ये काफी डार्क है, बादल भी नीचे आ चुके हैं, यहाँ बारिश हो रही है। और यहाँ पे है अर्धकुमारी भवन, और अभी हम लोग चल रहे हैं लगातार। बस यहाँ पर जो है एक फायदा है कि अगर बारिश आएगी तो यहाँ पर ना पूरे में टीन की शेड लगी हुई है, जो हमें बारिश से तो बचा ही लेगी। अब जाके हमें एक छोटी सी दुकान दिखाई दी है जहाँ पर हम वाटर बॉटल परचेज करेंगे, क्योंकि हम नीचे परचेज करना भूल गए थे। और यहाँ पर स्नैक्स वगैरह भी है काफी सारे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है, तो अभी देखते हैं कि हम क्या लेते हैं, वाटर बॉटल ही प्रेफर करेंगे वैसे तो। और मौसम तो भाई मतलब एकदम अपने पीक पे, ठंड बहुत जबरदस्त हो रही है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पहना है, टी शर्ट और एक ये पतली सी डेनिम जैकेट ही पहनी है, लेकिन फिर भी ठंड, हवा जो है बहुत तेज चल रही है। भाई तो खांसने भी लग गया, हो गई तबीयत थोड़ी सी ढीली सबकी। ब्यूटीफुल से रास्तों से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के लंगर हॉल के पास, और अब हम लोग चखेंगे लंगर, और यहाँ बैठ के कुछ खा के फिर आगे की तरफ निकलेंगे। लंगर हॉल में अभी दिखा देता हूँ अंदर से भी आपको, यहाँ पर काफी बड़ा बना रखा है वैसे तो। देखो ये बना हुआ है यहाँ का लंगर हॉल, सही है, सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सारी है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन सी बना रखी है, साफ़ सुथरा है, और इस तरीके का मील ऑप्शन यहाँ पर मिल, ओए ये भी बढ़िया है यार, हाँ ये सही है, अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये रहा यहाँ का मील ऑप्शन, यहाँ पे दाल चावल और चटनी दी जाती है। भाई मैं इस रास्ते पे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अभी एक और स्टॉप आया है जहाँ पे खुला हुआ है, क्या खुला हुआ भाई यहाँ पे, CCD खुला हुआ है, क्या है CDB, अच्छा जी कॉफ़ी डे बेवरेजेस, अरे भाई उस, हाँ यार ये उसी की तरह है भाई, कॉफ़ी भाई उसी का ही तो है, कॉफी डे का ही है, बाकी ये खुला हुआ है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, यहाँ से भी अमेजिंग सा व्यू आ रहा है, व्यू बहुत शानदार लग रहा है, ये देखो यार क्या व्यू लग रहा है, सिटी व्यू मिल रहा है, पूरा पहाड़ों के बीच में एक शहर बसा हुआ है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। अभी पहुंचे हम यहाँ पर जहाँ बीकानेर वाला बना हुआ है, और यहाँ भी खाने के ऑप्शंस हैं बीकानेर वाले में जो होता है प्रॉपर, और पता ही आपको कि बिना ऑनियन और गार्लिक के मिलने वाला है। ये देखो डिशेस की फोटोज़ वगैरह भी लगा रखी हैं, और अभी भी बहुत सारा चलना बाकी है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर अभी भी बाकी है अर्धकुंवारी पहुंचने में, और अभी देखते हैं कि कितना टाइम हमें लगता है। हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बिकॉज क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए स्लो चलना पड़ता है, बेबी को फीड करवाने की वजह से भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वाइफ को भी थोड़ी प्रॉब्लम है चलने में, बिकॉज अभी 4 महीने का बेबी हुआ है तो सर्जरी से हुआ था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर लगी हुई है लाइन बैटरी कार के लिए जो अर्धकुंवारी से भवन तक जाती है, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 354 रुपीज़ पर टिकट लगने वाली है, और लाइन काफ़ी लंबी हो रखी है। ऑनलाइन बुकिंग होती है, और अगर ऑफलाइन टिकट आपको लेना है तो वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये रहा भाई, कि ऑफलाइन टिकट आपको तभी मिलेगी जब अवेलेबिलिटी होगी।
बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भाई फाइनली भवन के पास पहुंच चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर अपना डिनर का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर हमने श्राइन बोर्ड की कैंटीन से यहाँ पर डिनर ले लिया है, काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है डिनर और अच्छा टेस्ट भी होता है और हम बस उसे निपटाने में लगे हुए हैं। उसके बाद आपको बताएंगे ताजा ताजा अपडेट की भवन पे कैसा है माहौल। ये है कुछ ताजा माहौल भाई यहाँ का भवन का, माता वैष्णो देवी की यात्रा का। और यहाँ पर क्या सीन है कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, 2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। कल यहाँ पर बहुत भारी बारिश और स्नोफॉल हुई थी जिसकी वजह से काफी जबरदस्त टेम्परेचर यहाँ पर हुआ पड़ा है और कुछ इस तरीके से खुद को कवर करना पड़ा है, बहुत सारी लेयरिंग करनी पड़ी है और मुंह से धुआं भी निकल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर साथ में आपके बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, बहुत सारे मल्टीपल कपड़े बनाने पड़ेंगे और अगर आप लोग भी हैं साथ में लेडीज़ वगैरह हैं तो उनको भी भाई अच्छे से कवर करके आना और खुद को भी अच्छे से कवर करके प्लान करना। ठंड से देखो क्या हालात हो गए हैं इसके भी, इसको भी काफ़ी सारे लेयर अपने बॉडी पे डालने पड़े हैं। और अभी हाथ धो के आए हो, कैसा लग रहा है हाथ धो के भाई? हाथ धोते हैं मेरे पास भाई, मतलब यहाँ का पानी इतना ज़्यादा चिल्ड है ना, टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। तो फाइनली भाई हम लोग भी अब निकल चुके हैं दर्शन करने माता रानी के मेन भवन के दरबार के और दर्शन करेंगे, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, हमें जाना होगा लॉकर में और अपना सारा सामान, जूते चप्पल जुराबे बेल्ट बैग हर चीज सबमिट करनी होगी। तो पहले वो करते हैं फिर आगे दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपको और भी चीजें बताते हैं। अब देखो यहाँ बन चुका है स्काई वॉक जो कि सामने दिखाई दे रहा है और लोगों ने यहीं पे जूते चप्पल निकाल के यहीं से लाइन लगा ली है, लाइन यहाँ तक है। अब यहाँ से शुरू होगा स्काई वॉक जो कि काफी ब्यूटीफुल बना हुआ है। स्काई वॉक के अंदर जो है अपने नव दुर्गा पथ, इसके अंदर दुर्गा माता के सारे 9 रूपों को दर्शाया गया है। आगे का हिस्सा इस तरीके का है स्काई वॉक का, जो कि एक ब्रिज बना दिया गया ऊपर की तरफ से जा सकते हो। ये मेन कर दिया है कि एंट्री आप लोगों की दर्शन की यहाँ से होगी और जो एग्जिट होगा वो यहाँ नीचे की तरफ से होगा। तो ये एक अच्छा कर दिया ताकि भीड़ आपस में टकराए ना, पहले क्या होता था इधर से ही जा रहे हैं इधर से ही आ रहे हैं तो टकराते थे और काफी ज्यादा कंजस्टेड हो जाता था, लेकिन अब अच्छा हो गया है। देखो कल रात में जो स्नोफॉल हुई थी उसके कुछ हिस्से यहाँ बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर है और इस जगह पे है और बहुत ही ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई थी जैसा कि दिख रहा है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ठंड भी हुई होगी और उस ठंड के मुकाबले आज की ठंड शायद थोड़ी सी कम होगी क्योंकि कल बारिश भी हो रही थी, लेकिन अभी भी सुन्न कर देने वाली ठंड है और लोग पूरी तरह पैक्ड दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से पूरा पैक होकर सब चल रहे हैं। जैसे तैसे यात्रा कंप्लीट हो गई और अभी हम लोगों ने उतर के बहुत सारा खाना खा लिया। अब बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है भाई की, शक्ल देखो एक बारी, दिखाना भाई साहब ये स्माइल ही दिखा दिया भाई ने, वैसे तो नींद से बुरी हालत हो रही है। हाँ जी मैगी। तो अब भाई चलते हैं सोते हैं यार, अब बिल्कुल कुछ किया ही नहीं जाएगा, जैसे तैसे रूम पे पहुंचेंगे और फटाफट सो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।